हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो आज इस लक्ष्य में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉर्नियल लूप के बारे में। बेसिकली आज मैं आपको बताने वाली हूँ बेसिकली जो कॉर्नियल लूप जो होता है वो क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कॉर्नियल लूप क्या है। कॉर्नियल लूप क्या है? एक हमारा ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या है ऑफ्थाल्मोलॉजिस्ट के द्वारा क्या है इसको क्या है यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है? लाइक जो कॉर्निया है उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक कॉर्निया को ऑब्जर्व करने के लिए मीन्स अगर मैं बात करूँ इससे क्या है इसको इस इससे क्या है जो कॉर्निया का जो साइज जो होता है वो हमें लार्ज दिखाई देता है, मीन्स बड़ा दिखाई देता है। लाइक इसका जो मैग्नीफिकेशन है वो 2.5 गुना है, जिससे क्या है अगर कॉर्निया में कोई भी डिजीज़ हो लाइक उसको क्या मैग्नीफाई करके ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। जो क्या है एक ऑफ्थैल्मोलॉजिस्ट के द्वारा इसको क्या है और यूज़ किया जाता है लाइक कॉर्निया को ऑब्जर्व करने के लिए। मैं बात करूँ कॉर्नियल लूप्स की तो कॉर्नियल लूप जो है लाइक केवल लूप जो हमारे कई सारे टाइप्स के होते हैं। लाइक बाइनोकुलर लूप भी होते हैं, यूनिओकुलर लूप भी होते हैं। बाइनोकुलर लूप जो आपने देखा होगा एक उसको स्पेक्स की तरह पहनते हैं। लाइक वो क्यों पहनते हैं? लाइक उससे क्या है अगर हम किसी पेशेंट को सिरिंजिंग करते हैं, लाइक अगर कोई एग्जामिनर है लाइक उसका जो एज है वो 40+ है, तो अगर उसको क्या है सो सिरिंजिंग की कंडीशन में क्या होता है 40+ का एज का अगर एग्जामिनर क्या है सिरिंजिंग करता है, देन उस कंडीशन में उसका जो पंक्टा जो होता है पेशेंट का बहुत छोटा होता है, तो उसको ईजिली दिखाई नहीं देता है। सो उसके लिए क्या है बाइनोकुलर जो लूप होता है उसका यूज़ होता है लाइक बहुत क्लोजली, जिससे क्या है पंक्टा को थोड़ा मैग्नीफाई करके देख सकें, जिससे क्या है सिरिंजिंग को वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो हमारा बाइनोकुलर लूप भी होता है। सो लूप हमारे काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसा कि आपने गूगल पे देखा होगा बहुत सारे टाइप्स के हमारे लूप्स होते हैं। बट ये कॉर्निया लूप है जो क्या कॉर्निया से रिलेटेड हमारी छोटी छोटी डिटेल्स को हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देन इसको जो परफॉर्म करने का प्रोसेस होता है उसको बहुत ही क्लोजली हम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि इस इमेज में मैंने यहाँ पे शो किया है कि बहुत इसको जो कॉर्निया लूप को कॉर्निया के बहुत क्लोज ला करके हम मैग्नीफाई करके देख सकते हैं जो भी हमारी कॉर्निया में जो भी डिजीज़ है लाइक उसकी डिटेल को हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका जो यूज़ होता है कॉर्नियल डेब्रिस के लिए करते हैं, लाइक जो फॉरेन बॉडीज जो होती हैं उनको थोड़ा मैग्नीफाई करके हम इजीली देख सकते हैं। तो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये हमारा जो ऑफ्थाल्मिक इंस्ट्रूमेंट है इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।